नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 2023 जिस सुबह हम लोग दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे थे, उसी सुबह उत्तरकाशी में एक टनल के अंदर करीब 41 मजदूर काम पर लगे थे एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने में। सुबह के करीब 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है। ये सभी मजदूर इस सुरंग के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो पत्थरों और मिट्टी की दीवार इनके और बाहर के रास्ते के बीच गिरी है वो 60 मीटर लंबी है। देखते ही देखते उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में लोगों की भीड़ जमने लगती है। अगले दिन 13 नवंबर को ऑफिशियली रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करी जाती है। 200 से ज्यादा लोग काम पर लगते हैं और 17 दिन लग जाते हैं इन लोगों को बाहर निकालने में। आखिर कैसे किया गया ये, आइए आज के वीडियो में 3D एनिमेशंस के थ्रू इस पूरी चीज को समझते हैं और उससे बड़ा सवाल जो है उसे भी आंसर करते हैं, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? इसकी रूट कॉज वही है जिसकी वजह से जोशी मठ भी डूब रहा है। एक ऐसा कारण जिसकी बात हमारे बिकाऊ न्यूज चैनल्स नहीं कर सकते, आइए जानते हैं। हादसा हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, बड़कोट सिलकियारा टनल। नक्शे में आप देख सकते हैं ये कहां लोकेटेड है। ये एक 2-लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो बनाई जा रही है मोदी सरकार के 12,000 करोड़ चार धाम प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट की डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह हाईवे प्रोजेक्ट है जो 4 नॉर्थ इंडियन धाम को कनेक्ट करता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इन चारों धाम के बीच में सड़कें बनाई जाएंगी जिनसे इनके बीच का फासला कम होगा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया था और इस पर्टिकुलर टनल को अनाउंस किया गया था फरवरी 2018 में अंडर द ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे सेक्शन। इस टनल का मकसद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच दूरी लगभग 20 किलोमीटर और 45 मिनट से कम कर देना और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,383 करोड़ बताई जाती है। इसे बनाया जा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन का काम सिलकियारा की साइड से करीब 2,340 मीटर कंप्लीट हो चुका था और बड़कोट की साइड से 1,600 मीटर कंप्लीट हो चुका था। और ये हादसा हुआ था सिलकियारा की एंट्रेंस से करीब 270 मीटर दूर। इस सुरंग के ढहने के बाद जो मलबा था वो करीब 60 मीटर लंबा था, लेकिन क्योंकि अंदर की 2000 मीटर की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी तो जो फंसे हुए मजदूर थे उनके पास घूमने फिरने के लिए ये 2000 मीटर की स्पेस थी। थैंकफुली ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही छोटी सी जगह में फंसे हुए हो। जिस जगह पर ये फंसे थे उस इंक्लोजर की हाइट भी करीब 8.5 मीटर थी। अब आमतौर पर ऐसे हादसों को एक्ट ऑफ गॉड बुलाया जाता है, यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन ये डिजास्टर कितना नेचुरल है सही मायनों में और कितना मैन मेड है, ये अपने आप में एक चर्चा का मुद्दा है। सरकार की प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये वर्कर्स रीप्रोफाइलिंग वर्क कर रहे थे। रीप्रोफाइलिंग का मतलब है टनल को एडजस्ट करना। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब आसपास के पत्थरों में कुछ ऐसा बिहेवियर देखा गया जो पहले ना नोटिस किया गया हो। अब एग्जैक्ट कारण इस कोलैप्स के पीछे तो और रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि ये कोलैप्स हो सकता है एक जियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से हुआ हो, जिसे शियर जोन कहा जाता है। ये वो हिस्सा धरती के क्रस्ट का जो पतला या थोड़ा कमजोर होता है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आसपास के पत्थरों पर बहुत स्ट्रेन पड़ा और वो पत्थर नीचे ढह गए, एक लैंडस्लाइड हो गई। एक और रीजन इसके पीछे IIT रुड़की के प्रोफेसर ML शर्मा बताते हैं कि पत्थरों में अनडिटेक्टिव कैविटी हो सकती है, यानी कि पहाड़ों के पत्थरों में कोई गैप रहा होगा। ऐसी कैविटीज की वजह से ये एरिया अपने आप में ही कमजोर हो जाता है और लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाता है। ये दो पॉसिबल कॉजेज हैं, लेकिन हमारा सिर्फ अंदाजा है, ये असली कारण हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। अब जब पहाड़ों में टनल्स की खुदाई करी जाती है तो दो मेन तरीके होते हैं। पहला है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड DBM और दूसरा है टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करना TBM। पहले वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पत्थरों के अंदर गड्ढे की ड्रिलिंग करते हैं और उसके अंदर हम एक्सप्लोजिव्स डाल देते हैं, फिर लिटरली पत्थरों को ब्लास्ट किया जाता है, जैसे कि मानो छोटा सा बम डाल दिया उनके अंदर, उन्हें फोड़ा जाता है। ये वाला सिंपल और ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन टनल बोरिंग मशीन जो है वो ज्यादा महंगी होती है लेकिन ज्यादा सेफ भी होती है। ये मशीन पत्थरों के अंदर एक रोटेटिंग हेड के जरिए गड्ढा करती है और प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स लगाती चली जाती है। हिमालय की पहाड़ियों में हम अनफॉर्चुनेटली इन मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम है। अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हिमालय की पहाड़ियाँ यंगेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की, सिर्फ 40 से 50 मिलियन ईयर्स पुरानी है, अभी भी ग्रो कर रही हैं।
इसकी वजह से यहाँ की कंडीशंस काफी सेंसिटिव है और अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी जगह पर भारी कंस्ट्रक्शन करने के कारण से जो हादसे होते हैं उन्हें सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड का नाम नहीं दिया जा सकता, पर फिर भी इंसान ऐसी हालातों में किसी ना किसी बहाने से भगवान का एंगल ढूंढ ही लेता है। इस आर्टिकल को देखिए, एक लोकल का कहना है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था बाबा बौखनाथ का। इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस मंदिर को हटवाया गया, इसलिए यह हादसा हुआ। नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर्स के पीछे एक डिवाइन कारण ढूंढना पहली बार नहीं ऐसा किया गया हो। 2013 में जो केदारनाथ फ्लड्स हुए थे, कुछ लोकल्स ने ब्लेम किया कि ये इसलिए हुए क्योंकि धारी देवी की श्राइन को रिलोकेट किया गया अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान। और इसी के चलते ही जहां एक समय पर 200 से ज्यादा लोग इस टनल रेस्क्यू में काम कर रहे थे, वहीं 18 नवंबर को टनल की ओपनिंग पर एक छोटे मंदिर का उद्घाटन किया गया और पूजा कराई गई। लेकिन ये काम लोकल लोगों ने नहीं किया, ये काम NHIDCL ने किया, वही कंपनी जो इस टनल कंस्ट्रक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। पर ना तो ये मंदिर बनाने की नौबत आती और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता अगर प्लान के मुताबिक एक एस्केप पैसेज बनाया गया होता तो। जब सरकार ने इस टनल प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था तो क्लियरली लिखा था वहां पर कि एक एस्केप पैसेज होना चाहिए, इमरजेंसी के केसेस में भागने का एक रास्ता होना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे इमरजेंसी एग्जिट्स रेकमेंडेड हैं हर उस सुरंग में जो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती है। PC नवानी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना बिना एस्केप रूट्स के। ये पूरा हादसा होता ही नहीं अगर ये किया जाता तो। लेकिन खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। सिचुएशन ये थी कि ये वर्कर्स फंस गए, कैसे निकाला जाए। ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत करी जाती है। उत्तराखंड सरकार एक 5-ऑप्शन प्लान बनाती है इन वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जिन्हें 5 अलग-अलग एजेंसीज के द्वारा कैरी आउट किया जाना था। ये एजेंसीज थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL और तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDCL। इसके अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF भी साइडलाइन पर वेट कर रही थी और असिस्ट कर रही थी जब भी उनकी मदद की जरूरत हो। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहली स्टेप थी कि फंसे हुए लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना, ताकि वो चैन से सांस ले सके। ये किया गया एक कंप्रेस्ड एयर पाइप के थ्रू जो पत्थरों के बीच से फंसाकर पहुंचाई गई उनकी तरफ। इसके साथ साथ एक और 4 इंच की पाइप मलबे के थ्रू घुसाई गई, जिसके थ्रू स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स डिलीवर किए गए। ये सब पहले दिन यानी 12 नवंबर को ही किया जा चुका था। ऊपर से टनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी, तो ऐसा नहीं था कि जो फंसे हुए लोग थे वो अंधेरे में जी रहे थे, थोड़ी बहुत रोशनी वहां पर मौजूद थी। अगले दिन एक रेस्क्यू का प्लान बनाया गया कि हॉरिजॉन्टली एक गड्ढा हम ड्रिल करेंगे, उसके थ्रू हम एक पाइप फिट करेंगे और वो पाइप इतनी बड़ी होगी कि लोग उसके थ्रू से क्रॉल करके बाहर तक निकल कर आ जाएं। प्लान ये था कि ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली करी जाएगी और एक ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मशीन कुछ ऐसी दिखती है। पहले दिन से उस पहली पाइप के थ्रू वर्कर्स के थ्रू बात कर पाना भी पॉसिबल था, तो कॉन्स्टेंटली पाइप के थ्रू लोग उनसे बात करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे। महादेव महादेव, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, दादा मन का बाबा मन का, ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे। THDC टनल की दूसरी साइड से काम कर रहा था माइक्रो टनलिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, और SJVN और ONGC वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रहे थे अगर जरूरत पड़े तो। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब पहाड़ के ऊपर से आया जाए और ड्रिल करी जाए नीचे तक। लेकिन जियोलॉजिस्ट वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर हमेशा से ही नेगेटिव रहे थे थोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऊपर से ड्रिलिंग करी जाएगी तो जो कमजोर पत्थर है उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक और लैंडस्लाइड हो सकती है नीचे अगर ढंग से इसे नहीं किया गया तो। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है, लेकिन जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो काफी धीरे काम कर रही थी, और ड्रिलिंग के दौरान और पत्थर और मिट्टी ऊपर से नीचे गिरे जा रही थी, जिसकी वजह से मलबे की ये दीवार और लंबी होती जा रही थी। वैसे यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो के एनिमेशंस और एडिटिंग पसंद आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि जरा खुद वीडियो एडिटिंग का करियर ऑप्शन कंसिडर करके देखिए अपने लिए। आज के दिन इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, नए यूट्यूबर्स उभर कर आ रहे हैं, CEOs हैं जो अपने पॉडकास्ट बना रहे हैं, बिजनेसेस जो अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं, कि ये वीडियो एडिटर बनना अब एक लेजिटिमेट लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन बन चुका है। और ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें डिग्री या क्वालिफिकेशंस इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आप सीरियसली इसे एज अ करियर कंसिडर करना चाहते हैं तो AVTV का वीडियो एडिटिंग कोर्स जाकर देखिए। 1200 से ज्यादा एडिटर्स ये ट्रेन कर चुके हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि तन्मय भट्ट, अली अब्दाल के साथ जाकर काम कर रहे हैं।
इनका एक बहुत बड़ा रिक्रूटर नेटवर्क है और पिछले कुछ कोहोर्ट्स में जो प्लेसमेंट रेट रहा है वो 80% से ज्यादा है। सही सुना आपने, जो लोग प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं इस कोर्स को करने के बाद 80% लोग प्लेस हो जाते हैं, उन्हें जॉब मिल जाती है। और इन लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है जिन्हें प्लेसमेंट्स मिली है? 4 लाख पर एनम, और ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यानी आपको वीडियो एडिटिंग ना भी आती हो तो इस हद तक ये वीडियो एडिटिंग आपको 3 महीने के अंदर सिखा देंगे कि आपको लिटरली जॉब मिल सकती है इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्होंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक फ्री मास्टर क्लास रखी है। आप लोग यानी ध्रुव राठी चैनल के व्यूअर्स, इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोहोर्ट ज्वाइन ना भी करें तो इस फ्री मास्टर क्लास को तो अटेंड करके जरूर देखिए, क्योंकि ये फ्री है और आप काफी सारी नई चीजें सीखेंगे और शायद से आपको एक नया करियर ऑप्शन भी मिल पाए। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो 15 नवंबर को एक दूसरी मशीन लाने का डिसीजन लिया जाता है। ये मशीन दिल्ली से मिलिट्री हवाई जहाज के थ्रू लाई जाती है 3 अलग अलग हिस्सों में और इसे असेंबल करना पड़ता है, जिसमें 1 दिन का समय लग जाता है। तो 16 नवंबर को ये मशीन तैयार होती है डिगिंग करने के लिए। ये मशीन इतनी ताकतवर थी कि ये 5 मीटर डेब्री 1 घंटे में खोद सकती थी। 1 दिन तक तो चीजें अच्छी चली, लेकिन अगले दिन इस ऑपरेशन को पॉज करना पड़ता है। टनल से एक क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम ड्रिलिंग करते रहे तो टनल और नीचे ढह जाएगी। फिर 1 दिन का समय लिया जाता है ठीक से चीजें जांचने के लिए। अब तक 5 दिन बीत चुके थे और कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं देखने को मिला था। अगले दिन रेस्क्यू ऑफिशियल्स और मजदूरों के रिलेटिव्स के बीच में झगड़ा देखने को मिलता है। लोग गुस्सा थे। एक इंसान चिल्लाता है कि 7 दिन हो गए मेरा भाई वहां पर ट्रैप्ड है। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ गया था कि लोगों को काम डाउन करने के लिए उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DP बुलानी कहते हैं कि अब हम वर्टिकल ड्रिलिंग भी ट्राई करेंगे। एक ही ऑप्शन के भरोसे नाराज है, तो ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल ओपनिंग्स भी दी जाएं तो रेस्क्यू करने के लिए। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर प्लान ये था कि ऊपर से 90 से 105 मीटर के बीच गड्ढा खोदा जाएगा। यहाँ BRO की मदद ली गई टेम्पररी सड़कें बनाने के लिए, ताकि ऊपर तक ड्रिलिंग मशीन्स को ले जाया जा सके। ये काम अब साथ साथ चल रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रेपरेशंस करी जा रही थी, नीचे से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करी जा रही थी एज यूजुअल। 20 नवंबर एक बड़ा दिन बनता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जब आर्नोल्ड डिक्स, एक टनलिंग एक्सपर्ट और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से सजेशंस देते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली क्या किया जाना चाहिए। उसी दिन शाम को रेस्क्यूअर्स एक 6 इंच डायमीटर की पाइप मलबे के थ्रू घुसाने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसकी मदद से कई चीजें और पॉसिबल हो जाती हैं। क्योंकि ये पाइप ज्यादा बड़ी थी, इसका मतलब अब प्रॉपर खाना दिया जा सकता था अंदर फंसे हुए लोगों को। इस दिन मजदूरों को अपनी पहली गर्म मील मिलती है, जो कि गर्मा गर्म खिचड़ी होती है। एक वीडियो भी फिल्म किया जाता है मजदूरों का, एक एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल करके जो इस पाइप के अंदर डाला गया था। ये पहला वीडियो देश के सामने आने वाला कुछ ऐसा था। अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि दवाइयां, मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और वॉकी टॉकीज सब इस पाइप के थ्रू भेजे जा रहे थे उन्हें। वॉकी टॉकीज के थ्रू वर्कर्स से अब डायरेक्टली बात करी जा सकती थी। इसी दिन डिसाइड किया जाता है कि 2 और टनल्स खोदी जाएंगी ताकि एडिशनल एस्केप रूट्स बनाए जा सके। और अगले दिन 21 नवंबर को 4 900 मिलीमीटर की पाइप्स ऑलरेडी इस मलबे के थ्रू घुसाई जा चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने से अभी भी बहुत दूर था। ये अलग अलग पाइप्स बीच में एक्चुअली इंटरफेयर करने लगी ड्रिलिंग के काम के। 22 नवंबर को इसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिला। 23 नवंबर को एक और सेटबैक होता है। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन रखी गई थी वो कमजोर बन गया था, तो पूरी रात लग जाती है उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। 24 नवंबर को वापस से ड्रिलिंग मशीन को रीअसेंबल करना पड़ता है। एक के बाद एक चीज बिगड़ती जा रही थी। एक चीज ठीक होती तो अगले दिन दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है। ये ऑगर मशीन पूरी तरीके से टूट जाती है और टनल के अंदर खुद ही फंस जाती है। आर्नोल्ड डिक्स रिपोर्टर्स को बताते हैं कि मशीन ऑलरेडी 3 बार टूट चुकी थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान और अब तो पूरी तरीके से खत्म थी। The auger is broken. Broken. Yeah, broken. It will be totally repaired or not? Yeah, the machine is busted. It's irreparable. It is destructive. No more work from auger. 26 नवंबर को अथॉरिटीज कहते हैं दोबारा से कि वर्टिकल ड्रिलिंग ट्राई करी जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में 26 नवंबर तक करीब 20 मीटर ड्रिल किया जा चुका था, लेकिन मेन फोकस अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही था, क्योंकि सिर्फ 12 मीटर और ड्रिल करना बचा था। 27 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि मशीन तो गई, लेकिन अब मैनुअली इसे हाथों से ड्रिल करते हैं, रैट होल माइनर्स का इस्तेमाल करके।
रैट होल माइनिंग एक बहुत ही खतरनाक तरीका है कोल एक्सट्रैक्शन का, पुराने जमानों में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लिटरली वर्टिकल गड्ढे बनाए जाते थे हाथों के थ्रू, और ये इतने ही बड़े होते थे कि एक आदमी फंसकर बाहर निकल सके इनसे या नीचे जा सके। इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बैन लगा रखा है रैट होल माइनिंग पर, क्योंकि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बेकार होता है और लेबर के लिए भी अनसेफ होता है। लेकिन इस सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर यह बेस्ट ऑप्शन था। 12 रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स बड़ी मेहनत से काम करते हैं और 28 नवंबर की शाम तक खबर आ जाती है कि सिर्फ 2 मीटर और खोदना बचा है। इस वक्त खुशखबरी ज्यादा दूर नहीं थी और फाइनली रात को करीब 8 बजे पहले वर्कर को स्ट्रेचर के द्वारा निकाला जाता है और एक एक करके सबके सब 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाता है इस टनल से। After spending 17 days trapped in a collapsed tunnel in northern India, rescuers have now freed all 41 workers. मुन्ना कुरेशी 12 में से एक रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट थे। इनका कहना था कि ये मोमेंट काफी इमोशनल थी। ये वो इंसान थे जिन्होंने आखिरी पत्थर हटाया और आखिरी पत्थर हटाने के बाद ये उन्हें देख सकते थे। इनका कहना था कि ये लोग हमसे गले मिले और इन्होंने हमें धन्यवाद किया बाहर निकालने के बाद। हम पिछले 24 घंटों तक कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपने देश के लिए ये किया है। बाहर एम्बुलेंसेस और हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर थे। फूलों की माला इन्हें पहनाई जा रही थी और बाहर एक फ्रेशली कुक्ड मील इनका इंतजार कर रही थी। आलू गोभी रोटी दाल चावल इन्हें पेश किया गया जैसे ही ये बाहर निकले। पूरे देश ने इन 41 वर्कर्स के सही सलामत बाहर निकलने पर जश्न मनाया। रेस्क्यूअर्स को शाबाशियां दी गई। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग को सेलिब्रेट करते हुए हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हादसा एक्चुअली में हुआ क्यों था, इसके पीछे का असली कारण और रूट कॉज क्या थी। इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली में जानते हैं इस हादसे के पीछे की रूट कॉज को। इस सवाल का जवाब छुपा है इस चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट में, वही कारण जिसकी वजह से जोशी मठ आज डूब रहा है, हमारी सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। चार धाम जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से एनवायरनमेंट का सत्यानाश हो रहा है और लैंडस्लाइड और इस तरीके के हादसे होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस आर्टिकल को देखिए। टनल कोलैप्स इन उत्तराखंड इज अ पार्ट ऑफ बिगर प्रॉब्लम इन द हिमालयस। सड़कें बनाते समय ढंग से स्लोप एनालिसिस नहीं करी गई है। कुछ जगहों पर एक्सट्रीम स्लोप कटिंग देखी गई है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल्स तक पर स्लोप काटे गए हैं सड़कें बिछाने के लिए। इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बड़ी आसानी से आते हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में हर दिन ऑन एवरेज 1 लैंडस्लाइड देखने को मिला है इस रीजन में, इस आर्टिकल के अनुसार। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने पहले आवाज नहीं उठाई थी इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। फरवरी 2018 में देहरादून का एक एनजीओ है सिटीजंस फॉर ग्रीन दून, इन्होंने एनजीटी में कंप्लेन करी थी कि इस प्रोजेक्ट से हिमालयन इकोलॉजी पर एक भयानक असर पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि उस समय पर ऑलरेडी 25,000 पेड़ काटे जा चुके थे इस प्रोजेक्ट के लिए और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एक वायलेशन था। इन्होंने मेंशन किया कि कैसे इंडिया के एनवायरमेंटल लॉ के अनुसार हर हाईवे प्रोजेक्ट जो 100 किलोमीटर या उससे ऊपर का बनाया जाता है उसमें एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने इस रूल को बड़ी ही बेशर्मी से बायपास किया। इन्होंने कहा कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हजारों किलोमीटर के हाईवेज का, हम बना रहे हैं 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट और हर हाईवे की लेंथ 100 किलोमीटर से कम है। इस एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे अलग अलग प्रोजेक्ट करके दिखाया गया इस कानून को बायपास करने के लिए। इसलिए सितंबर 2018 में एनजीटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अगस्त 2019 में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है देश के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक 26 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी अपॉइंट करता है जिसे लीड किया जाता है एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा के द्वारा। इस कमेटी का काम था ये जांचना कि कितना नुकसान पहुंचेगा एनवायरमेंटली और सोशली उत्तराखंड को इस प्रोजेक्ट की वजह से, और उसके बाद अपनी सजेशंस देना। जुलाई 2020 में इस कमेटी के 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग रवि चोपड़ा जी, सरकार की जो खुद की गाइडलाइन है मार्च 2018 की गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, उसके अनुसार पहाड़ियों पर जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनकी टोटल विड्थ 7 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। सरकार चाहती थी इन पहाड़ियों में 12 मीटर चौड़े हाईवेज बनाए जाए। इस कमेटी के बाकी 21 मेंबर्स एक्चुअली में सरकार के फेवर में थे, तो रवि चोपड़ा डायरेक्टली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखते हैं अगस्त 2020 में। ये कहते हैं कि यहाँ पर खतरा सिर्फ पेड़ों को काटा जाना नहीं है, सरकार यहाँ पर ना सिर्फ पेड़ों को काट रही है, पहाड़ियों को काट रही है, बल्कि सड़कें बनाते वक्त जो कूड़ा जनरेट हो रहा है उस कूड़े को डंप किया जा रहा है नदियों में, और ये इको सेंसिटिव जोन्स में भी किया जा रहा है जैसे कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, इन जगहों पे कूड़े की डंपिंग चल रही है।
अगले महीने सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट रवि चोपड़ा जी की रिकमेंडेशन सुन लेता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट में हाईवे की जो विड्थ है वो 7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात में सेंस था क्योंकि ज्यादा चौड़ी रोड बनाने का मतलब था कि ज्यादा स्लोप्स काटे जाने पड़ेंगे, ज्यादा पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा कूड़े की डंपिंग होगी। इन सब चीजों से हिमालय का जो टेरेन है वो डिस्टेबिलाईज होगा, लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे, फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। वी ऑब्जर्व्ड यूनैनिमसली दैट the road width was the key factor which determines the extent of hill cutting and the subsequent environmental damage. लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने की जगह अपना एक नया मास्टर स्ट्रोक अपनाती है सुप्रीम कोर्ट की बात को बायपास करने के लिए। नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी एंट्री मार लेती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करती है कि देखो हमें डबल लेन रोड बनाने की जरूरत है क्योंकि आर्मी की ये रिक्वायरमेंट है। चारधाम प्रोजेक्ट को एक नया एंगल दे देते हैं, कहते हैं कि ये तो देश हित की बात है भाई, आर्मी की जरूरत है ये, इसलिए हमें ये सड़कें बनानी पड़ेंगी इतनी चौड़ी। अभी तक जनता को बताया जा रहा था कि ये तो चारधाम यात्रा के लिए हम कर रहे हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए ये रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अब अचानक से इस प्रोजेक्ट का पर्पस बन गया कि ये तो स्ट्रेटेजिक चीज है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, इंडियन ट्रूप्स चाइना के बॉर्डर पर आसानी से मूव कर पाए इसलिए ये किया जा रहा है। रीजन बताया जाता है कि चाइना दूसरी तरफ से अपनी सड़कें बना रहा है इसलिए हमें भी सड़कें बनाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है टेरेन में। चाइना की जो साइड है वो टिबेटियन प्लेट्यू पे मौजूद है, वहां पहाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं है, वो एक रिलेटिवली स्टेबल एरिया है, सड़कें बनानी आसान है, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना हानिकारक नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस अपील के अगले महीने मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज भी अपने 2018 के डायरेक्टिव्स बदल देती है। वो कहते हैं जो 7 मीटर की जो गाइडलाइन है ना, ये 10 मीटर तक हो सकती है अगर किसी प्रोजेक्ट की कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो तो। और इसके ठीक एक साल बाद 14 दिसंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट भी मानने पर मजबूर हो जाता है कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जैसा चल रहा है वैसे ही अलाउ किया जाएगा। आज के दिन चारधाम प्रोजेक्ट में जो हाईवेज बन रहे हैं वो 12 मीटर चौड़े बन रहे हैं इसकी वजह से। ये देखकर कि सरकार ने कितनी बेशर्मी से रूल्स और गाइडलाइंस को बायपास किया इस प्रोजेक्ट के लिए, रवि चोपड़ा रिजाइन कर देते हैं उस कमेटी से। आज के दिन इस चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से अभी तक 600 हेक्टेयर जंगल काटा जा चुका है, 56,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा चुका है और 75% चारधाम का जो हाईवे है उसे चौड़ा किया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने खुद एडमिट किया था कि 2021 में 200 लैंडस्लाइड्स देखने को मिली इस एरिया में, और नवंबर 2021 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट किया कि 125 लैंडस्लाइड्स सिर्फ चारधाम प्रोजेक्ट के रूट्स के अराउंड ट्रिगर हुई कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। याद है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे हादसे के होने से पहले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स ने बार बार वार्निंग दी थी कि कभी भी हादसा हो सकता है। सिमिलरली अभी भी बार बार वार्निंग दी जा रही है एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट के द्वारा। इन हेडलाइंस को देख लो, 17 मई 2023 अनचेक्ड पिलग्रिमेज कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड स्पेल डिजास्टर फॉर फ्रेजाइल हिमालयाज, वार्न एक्सपर्ट्स। 4 मई को जोशीमठ के पास एक पहाड़ी क्रम्बल कर गई जब रोड वाइडनिंग करी जा रही थी। 23 अगस्त 2023 द रेसिपी फॉर डिजास्टर दैट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन हिमालयन स्टेट्स। 19 जनवरी 2023 जोशीमठ क्राइसिस इज अ वार्निंग फ्रॉम द हिमालयाज। 25 जुलाई 2023 लैंडस्लाइड वॉशेज अवे चारधाम रोड स्ट्रेच इन उत्तराखंड। उत्तराखंड चार धाम प्रोजेक्ट वाई सम कॉल इट अ रोड टू डिजास्टर। 15 नवंबर 2023 अनदर वार्निंग इन द हिमालयाज। 23 अगस्त 2023 बद्रीनाथ हाईवे कोलैप्स इज अ वार्निंग। द चार धाम रोड प्रोजेक्ट इज अ फ्री वे टू डिजास्टर। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट भी जानता था आज से 5 साल पहले, 2018 के इस आर्टिकल को देखो। फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड ऑन चार धाम यात्रा मार्ग रेजेस क्वेश्चंस। ये सारा डेटा होने के बाद भी, इन सारी वार्निंग्स के बावजूद भी बदलाव का कोई संकेत नजर नहीं आता। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने रेस्क्यू कर दिया वर्कर्स को, टनल पर काम अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि आने वाले सालों में हम शायद से फिर खबरें सुनेंगे उत्तराखंड में किसी और नए हादसे की। एवीटीवी की फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो जोशीमठ वाला वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।